नमस्ते रुचिरा में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन सूखा मसाला, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। इसको आसानी से घर पर हम बना सकते हैं, तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं चिकन सूखा मसाला। इसके लिए मैंने एक पैन गैस पे गरम करने को रखा है। इसमें 2 छोटे चम्मच तेल डाला है। अब इसमें 1/2 कप बारीक ग्रेट किया हुआ नारियल मैंने ऐड किया है। आप इसके जगह ड्राई कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं। इसको मीडियम फ्लेम पर 1-2 मिनट तक फ्राई करना है। यहाँ पे मैं 3 बैडगी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे मसाला का बहुत अच्छा कलर आ जाता है। 1 बड़ा चम्मच धनिया और 1 बड़ा चम्मच तिल मैंने इसमें ऐड किया है। इसको कोकोनट के साथ 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसमें से कच्चापन निकल जाए। अब मैं इसमें 7-8 लहसुन की कलियां और 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा ऐड कर रही हूँ। इसको भी मसाले के साथ फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है, अच्छा खुशबू भी आ रही है। अब गैस को बंद करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मसाला ठंडा हो गया है, इसको मैंने मिक्सर में डाल दिया है। ये थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने इसमें ऐड किया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक फाइन पेस्ट हम बनाएंगे। अब मैंने गैस पे पैन रखा है, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। ये 2 बड़े ऑनियन बारीक कट किए हुए इसमें ऐड किया है। इसको मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। अब मैंने इसमें 2 बड़े टमाटर कट किए हुए ऐड किया है। इसको भी ऑनियन के साथ फ्राई करेंगे। तीन चार मिनट के बाद आप देख सकते हमारा ऑनियन और टोमेटो फ्राई हो गया है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब इसमें मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच ही यूज़ किया है, क्योंकि मैंने लाल मिर्च मसाला पीसते वक्त ऐड किया था। अगर आपने नहीं यूज़ किया हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने पिसा हुआ मसाला इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसको ढककर 4-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है ताकि इसमें से कच्चापन निकल जाए और मसाला तेल भी छोड़ दे। पाँच मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से पक गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। मैंने यहाँ पे 1/2 केजी चिकन अच्छे से वॉश करके रखा था, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको मसाले के साथ मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 कप पानी डालना है और स्वाद अनुसार नमक। इन सबको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करना है और 10 से 15 मिनट तक इसको ढककर पकाना है ताकि हमारे चिकन अच्छे से पक जाए। पंद्रह मिनट हो गए, आप देख सकते चिकन भी अच्छे से पक गया है और हमारा चिकन सूखा तैयार भी हो गया है। अब मैं बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ता इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिलाते हैं। चिकन सूखा तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और इसको सर्विंग प्लेट में सर्व कर देते हैं। चिकन सूखा मसाला बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी भी बन गया है।
इसको चपाती, रोटी या चावल के साथ भी खा सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स।